कि बॉल को बैकफुट पे खेलना और फ्रंट फुट डिफेंस की बॉल को ड्राइव कर देना, बहुत टाइम ऐसा होता है कि फ्रंट फुट ड्राइव की बॉल को डिफेंस कर देना, ये छोटी मोटी जो गलतियां होती है ना, ये बिगनर्स बहुत करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन पर बात करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, मैं ललित देव और मैं आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आपको ये पूरा सीखने के लिए जो मैंने आपको बताया है कि आप फ्रंट फुट की बॉल को अगर बैकफुट पर खेलते हो, या कभी कभी आप फ्रंट फुट डिफेंस वाली बॉल को ड्राइव कर देते हो जिससे आपका बॉल हवा में चला जाता है, कभी कभी आपको ड्राइव का बॉल मिलता है आप उस पर डिफेंस कर देते हो, ये छोटी गलतियाँ होती हैं जो आपको रन स्कोर जिसके वजह से आप रन स्कोर नहीं कर पाते हो और आउट भी पहुंचे हो जाते हो। तो मैं इस ये पूरे टॉपिक को अपने वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो। उसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक देखने की जरूरत है, और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है अलोंग विद द बेल आइकन तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। इन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको श्योरिटी देता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये फॉल्ट अगर आपने कभी किया होगा या फिर आप अभी करते हो तो इसको देखने के बाद आपका ये फॉल्ट पूरा ठीक है तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको सबसे पहला पॉइंट जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिगिनर्स के लिए वो करने वाला हूँ कि वो कॉमन फॉल्ट ये करते हैं कि जब फ्रंट फुट ड्राइव खेलते हैं ना तो कभी कभी उनको डिफेंस वाला बॉल मिलता है, मतलब जो प्रॉपर हाफ वॉली बॉल नहीं होता। मैंने पहले बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है कि फ्रंट फुट ड्राइव कौन से बॉल पर करते हैं, तो जो बॉल फ्रंट फुट ड्राइव का नहीं होता वो उसको ड्राइव कर देते हैं। तो ये कॉमन फॉल्ट वो कैसे ठीक करेंगे, आपको क्या करना है, आपको अपने प्रैक्टिस सेशन में सामने करीबन 22, 25 या 30 फीट की डिस्टेंस से किसी से बॉल फीड करना अंडर आर्म, ठीक है, और आप जब तक बॉल को ड्राइव नहीं मारोगे जब तक बॉल आपके फ्रंट फुट की रीच में ना हो, मतलब फ्रंट फुट रीच मतलब डैम इट बॉल ठीक वहां से चल, देखो वाइड बॉल मैंने प्लेस किया है। ठीक है, अब देखो मैंने स्टांस यहाँ पे लिया है, अंडर आर्म फीड करा रहा हूँ मैं, अगर मैंने अपना फ्रंट फुट प्लेस किया यहाँ पर तो देखो बॉल अभी मेरे पैर के रीच में नहीं है अंडर आर्म स्पेशली, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को ऐसे सेट करना है या अपने फ्रंट फुट को ऐसे सेट करना है कि बॉल पिच होने के बाद मेरे पास बॉल एंकल हाइट पे आए, मतलब इस हाइट पे बॉल की हाइट जो रही मेरे पास बाउंस होने के बाद कम से कम यहाँ इतनी रहे, आप वीडियो में देख रहे हो, मतलब नी हाइट से लो रहे, ग्राउंड से उसकी हाइट मैक्सिमम खाली बस आपकी 6 से 8 इंच इतना खाली आपको बॉल ग्राउंड से ऊपर मिले, इतना ऊपर कम से कम बस, जिससे बॉल आपके ड्राइव करते हुए स्वीट पार्ट पर लग जाए। अब बैट्समैन क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है बहुत सी पिचेस पे होता है ऐसा कंडीशन पड़ जाती है जहाँ बॉल लो रहता है, तो वहाँ पे आप थोड़े से खिंचे हुए बॉल पे ड्राइव कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे बॉल लो नहीं रह रहा है मतलब पिच का जो बिहेवियर बहुत नॉर्मल है, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि बॉल का जो बाउंस है आपके पास आते हुए कितना हो रहा है। हाफ वॉली बॉल कभी कभी बॉलर की स्पीड पे बॉलर के और पिच के बाउंस पे हाफ वॉली बॉल का जो प्लेस है ना वो आगे पीछे शिफ्ट होता रहता है, फास्ट बॉलर होते हैं ना उनका हाफ वॉली बॉल थोड़ा सा दूर का बॉल भी आप ड्राइव कर दोगे क्योंकि बॉल स्पीड से आ रहा है, स्पिनर का वही वाला बॉल आप बैकफुट पे खेल दोगे, ऐसा होता है कभी कभी पिच के बिहेवियर पे और बॉलर के बिहेवियर पे। ठीक है, तो बैट्समैन क्या करते हैं बिगिनर स्पेशली, उनको जब बॉल थोड़ा दूर मिलता है डिफेंस का बॉल मिलता है उस पर वो बैट को थ्रो कर देते हैं, मतलब वो बॉल को हिट करने का ट्राई करते हैं। तो क्या होता है जब बैट को थ्रो करते हैं तो बैट का जो आर्क होता है ना, बैट का आर्क कुछ इस तरह से हो जाता है, और जब उनका इंपैक्ट इस तरह के बैट के आर्क के साथ में होता है तो बॉल एयर में जाता है, और ये बहुत कॉमन फॉल्ट है कि बैट्समैन ड्राइव करते हुए आउट हो जाते हैं। आपको क्या करना है, अब जब ड्राइव कर रहे हो एक तो बॉल को पास आने दो एकदम हाइट के नीचे, और दूसरा सबसे मेन पॉइंट है कि आपको बॉल को चूज करना पड़ेगा कि बॉल ड्राइव का है या नहीं है, मतलब आपके फ्रंट फुट के रीच में है या नहीं है। ठीक है, सेकंड कॉमन फॉल्ट क्या होता है, हम फ्रंट फुट ड्राइव की बॉल को डिफेंस कर देते हैं बहुत बार। मैं आपको उसका एक आपको एक पूरा ऐसा रीजन दूंगा जो वहाँ पे एकदम लॉजिक सेट करेगा। क्या होता है जब बैट्समैन ओवर डिफेंसिव हो जाते हैं ना, ये गलती बिगिनर भी करते हैं, बैट्समैन जो अभी सीख रहे हैं, और ये गलती एलीट लेवल भी करते हैं, जब बैट्समैन ओवर डिफेंसिव हो जाते हैं मतलब उनके माइंड सेट उन्होंने पूरा डिफेंसिव कर रखा है, तब वो क्या करते हैं कभी कभी ड्राइव वाले बॉल को भी डिफेंस में खेल जाते हैं। तो उसे क्या करना है, ठीक है वो तो आपका ओवर डिफेंसिव, आप मैच में आपकी क्या कंडीशन है उसकी वजह से आप हो रखे हो तो वो अलग टॉपिक है, अभी बात करते हैं बिगिनर के लिए। ठीक है, हम जब बैटिंग कर रहे हैं तो हमारा फ्रंट फुट की रीच में अगर बॉल है तो आपको डिफेंस करने जाना ही नहीं, जैसे मैंने आपको वीडियो को पहले एक्सप्लेन कर दिया, अगर आपको ड्राइव का बॉल मिल रहा है आपके फ्रंट फुट की रीच में है और बॉल का बाउंस आपके मैंने बताया कि जमीन से 6 से 8 इंच के आसपास है, आप उस पर ड्राइव के लिए जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको इंपैक्ट कभी भी आगे नहीं करना। ठीक है, ये कॉमन फॉल्ट है जिससे बिगिनर्स का बॉल हवा में जाता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, इफ यू लाइक द वीडियो गिव मी थम्स अप, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।